यहाँ पे जब भी आप लोग आएंगे ना रेड एबल पे, यहाँ पे तो जब भी आप आएंगे रश ही रश मिलेगा आपको। भी जो कि डक्की भाई ने ली हुई है, तो आपको पता ही, आपका भाई जो ने डक्की भाई का काफी ज्यादा फैन है, तो लोग आओ खेलो कूदो, क्रिकेट की जगह भी बनी हुई है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो यार आज आपका भाई जा रहा है F6 मरकज में। वैसे आपको बताऊं कि यार हमेशा आपका भाई कहीं ना कहीं घूमता फिरते रहता है, तो आज की वीडियो में आपका भाई आप लोगों को F6 मरकज दिखाएगा, उसका आज आपको प्रॉपर तरीके से विजिट कराएगा। तो अभी यार अभी मैं खड़ा हूँ, अभी जो है मैं इस वक्त F6 1 पे हूँ, तो F6 1 से अभी जल्दी जल्दी वॉक करता चलता हूँ यार, F6 में चलता हूँ, मरकज दिखाता हूँ आप लोगों को, इंजॉय करो यार। तो यार एक और मजे की बात बताऊं कि आज जो जुम्मे के दिन है, तो मेरे दिल है सबसे पहले जल्दी जल्दी जुम्मा पढ़ता हूँ, जुम्मा पढ़ के फिर निकलता हूँ यार। वैसे तो आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे जो है सारा सरकारी इलाके है। माशाल्लाह यार आज जुम्मे वाला दिन है, चेक करें यार आज कितनी जो है पार्किंग लगी हुई है गाड़ियों की। अच्छी बात है यार, नमाज वमाज तो पढ़नी चाहिए ना, बाकी काम तो होते ही रहेंगे। तो ये यार अभी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज वगैरह पढ़ ली, तो यार अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज वगैरह तो पढ़ ली है, तो अभी यार जल्दी जल्दी चलता हूँ। बाकी मैं आपको बता दूँ, ये जो है ना ये भी F6 1 की जो मार्केट है, फारूकिया मार्केट, तो अभी यार जल्दी जल्दी चलता हूँ मैं F6 में। तो यार अभी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज वगैरह में पढ़ते हैं, तो मुझे जो है ना काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आ गया, तो अभी एनर्जी मेरी फिर से दोबारा से रिफ्रेश हो गया। तो अभी भाई लोग जल्दी जल्दी पहुँचता हूँ वहाँ पर, जाके आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ। तो यार ये भी आपका भाई जो है ना मरकज के पास आ गया फाइनली। तो आपको बताऊंगा यार, वैसे तो ये आपको पता ही है कि ये रेड जोन है, और ये F6 और F7 जो है ना काफ़ी फेमस मरकज है। तो ये सामने ग्राउंड है, यहाँ से शुरू करता हूँ और वहाँ पे आगे तक सारा आपको दिखाता हूँ। तो यार सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ये ग्राउंड आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर भी जो है अभी फ़िलहाल तो बंद है। वैसे तो शाम को जो है ना काफ़ी लोग आके बच्चे शच्चे खेलते रहते हैं। और ये सामने आ चुकी है KFC, जो कि KFC की ब्रांच जो है ना सबसे पुरानी ब्रांच यहाँ पे ही है, और यहाँ पे जो है ना सब कुछ रेडी होता है और यहाँ से ही सब कुछ आगे जाता है। दूसरा आपको बताऊँ कि ये सामने महफिल खाना ये ऊपर भी है, और ऊपर जो है ना काफ़ी अच्छा व्यू आता है रात का। लेकिन अभी जो है ना मैं आपको बाहर बाहर से दिखाता हूँ, ताकि आप लोग कोई आना जाना चाहे तो वो आ जा सकता है। F6 मरकज का प्रॉपर से विज़िट आपको करा रहा हूँ आपका भाई। और ये सामने स्टोर बना हुआ है वेजिटेबल का, फ्रूट वगैरह का। तो जैसे ही आगे आते हैं, तो ये इसका तो आपको पता ही है, F6 का काफ़ी फेमस जो है ना। तो गाइस आप लोग देखो यार, एंजॉय करो यार, अभी आपका भाई और भी काफी चीजें आपको दिखा रहा है। तो यार ये वाली जो है ना F6 की मार्केट जो है ना काफ़ी फेमस है, यहाँ पे रेड एप्पल भी है, और यहाँ पे भी जो है ना F10 जैसे कि हर मरकज़ में होती है, काफ़ी मरकज़ों में आपने देखी है पार्किंग बैठने के लिए, तो यहाँ पे भी जो है ना काफ़ी बढ़िया है। और वो आगे शीशा कैफे है, और भी आपको दिखाता हूँ। और यार यहाँ पे जब भी आप लोग आएंगे ना रेड एबल पे, यहाँ पे तो जब भी आप आएंगे रश ही रश मिलेगा आपको। तो यार इसके आपको पता है कि काफ़ी ब्रांच है, और ये इसका भी काफ़ी जो है ना फूड अच्छा है। तो यार ये कैफ़े बना हुआ है, इसका भी आपको दिखा देता हूँ अंदर। तो खैर अभी मेरा किसी ब्रांच पर भी नहीं जाने का दिल, और इस साइड पर भी ये सामने रेस्टोरेंट बना हुआ है, और ये सामने कपड़ों वाली शॉप वगैरह बनी हुई है। चलता हूँ आगे वाली मार्केट दिखाता हूँ आपको।
सो गाइस अभी मैं जैसे यार आ गया हूँ, तो आगे मैं आया तो मुझे भाई लोग सामने नजर आई है ऑडी, जो कि डक्की भाई ने ली हुई है। तो आपको पता ही, आपका भाई जो है डक्की भाई का काफी ज्यादा फैन है, तो ये वाली जो है ना गाड़ी, अभी डक्की भाई पता नहीं यहाँ पे कहाँ पे है, लेकिन मुझे गाड़ी दी यार अभी नजर आ गई। ये चेक करो यार इसकी कितने मजे की लुक है, और आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिक है, यहाँ पे इसकी जो ना चार्जिंग वगैरह लगती है, और बाकी बहुत ही मजे की गाड़ी है। अंदर अभी कोई है नहीं, तो आपको पता है आपका भाई जो है अंदर भी बैठ जाता है। तो भाई लोग आप लोगों ने देखा यार अभी डक्की भाई की गाड़ी खड़ी हुई, तो डक्की भाई आए नहीं यार, अगर होते तो आपको उनसे भी मिलवाता, लेकिन अभी यार जल्दी जल्दी चलता हूँ आगे से, आप कुछ और दिखाता हूँ। और यहाँ पे इस साइड पे आपको बता दूँ ये सबवे भी बना हुआ है और भी काफ़ी चीज़ें बनी हुई हैं। तो यार अभी आप लोगों ने देखा यार अभी जो है ना दो गाड़ी में आंटी थी, तो वो भी जो है ना मेरी नकल उतारने लगी थी, लेकिन कोई बात नहीं यार, आपका भाई इंशाल्लाह जो है ना कामयाब होगा। और अभी यार जल्दी जल्दी चलता हूँ आगे, आगे ना कॉफ़ी वगैरह आ गई है, कॉफ़ी वाली ब्रांडें आ गई हैं, वो दिखाता हूँ। नंबर दे चलो यार। इधर 400 से रन कम है ना, इधर से तो क्रिकेट जीतेगा। तो यार मज़ा करो, एंजॉय करो, आपका भाई आपको आराम सुकून से सारी की सारी चीज़ें दिखा रहे थे, अगर कोई चीज़ रह ना जाए बस आप आराम सुकून से वीडियो देखो यार।
तो भाई लोग यहाँ पे तो इन्होंने तो भाई पिंक पिंक किया हुआ, सब कुछ ही पिंक किया हुआ भाई, इनकी यूनिफॉर्म भी पिंक है यार। ये कैसा लड़कियों वाला यार रेस्टोरेंट है। और ये ग्राउंड है
आपको इसका भी मैं आपको जाते जाते विजिट करवा दूँ, क्योंकि अभी तो मरकज़ ख़त्म हो चुका है, सारा आपको दिखा दिया है। और यहाँ पे आप लोग जब दिल चाहे आप लोग आओ, खेलो कूदो। क्रिकेट की जगह भी बनी हुई है, फुटबॉल की भी जगह बनी हुई है, वैसे भी जो भी, वैसे आपको बताऊँ कि मैंने जो है ना वो क्या कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, खड़बाजी कहते हैं या क्या कहते हैं, वो मैंने सीखनी है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी बढ़िया यार, यहाँ पर बंदा सीख सकता है, लेकिन एक बंदा साथ होना चाहिए। तो अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, ग्राउंड वगैरह भी आप लोगों ने देख ली, ये सामने जिम के लिए भी इन्होंने रखा है। लेकिन ये है कि भाई लोग पंजाबी यहाँ पे कोई आए ना, वो उसने ये तो यही कहना कि भाई पड़े हुए हैं तो उठा के ले जाओ, उठाने वाला काम नहीं यहाँ पे करना। यहाँ पे जो है ना अच्छा माहौल है और अच्छे तरीके से रहने के लिए ना उन्होंने रखा हुआ है। तो अभी जो है मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है यार घूमते फिरते, अभी टाइम भी हो चुका है मेरी ड्यूटी का। तो अभी मेरे दिल यार वापसी चलता हूँ, अगर कुछ मिलता है तो वो भी आपको दिखाता हूँ। तो कैसे ये भी आपका भाई उसी जगह पे आ गया। तो भाई लोग ये भी आपका भाई आ गए यार फाइनली उसी जगह पे, जॉब पता नहीं कब तक करूँगा यार। तो यार अभी आप लोगों ने देख लिया यार आज का विजिट तो मेरे आप लोगों को यार काफ़ी करवाना था, लेकिन यार आजकल आपके भाई का दिल ही नहीं कर रहा यार वीडियो बनाने का, पता नहीं क्यों यार आजकल आप लोग यार से सपोर्ट नहीं करते, कसम से यार आप लोग सपोर्ट नहीं करते। आपको बताऊँ कि वीडियो के ऊपर बहुत ज़्यादा जो ना टाइम लगता है मेरा, लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह ये टाइम कभी मुझे काम आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो यार अभी आपको बताऊँ कि अभी जो है टाइम जो है रात का हो गया, तो अभी मुझे छुट्टी हो चुकी है, आपका भाई अभी बस जा रहा था, तो मैंने सोचा आप लोग उनसे कुछ दो तीन बातें अपनी शेयर कर दूँ, क्योंकि आप लोग आजकल सपोर्ट नहीं कर रहे। तो देखो हर इंसान की कोई ना कोई ख्वाहिश होती है, लेकिन इंशाल्लाह आपका भाई यूट्यूबर एक दिन बनेगा और 10 मिलियन सब्सक्राइबर हासिल करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी आपके भाई को दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपके भाई को रोक सके, इंशाल्लाह आपका भाई एक दिन कामयाब होगा चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी आपको बताऊँ कि अगर मैं इंशाल्लाह अपनी अगले 10 साल के अंदर अंदर मैं बिलियनर ना बना, तो इंशाल्लाह समझ लो ना आज से आपके भाई का पक्का वादा है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये पक्का वादा है मेरा। अभी 2023 चल रहा है, उसका जो है ना 10वां महीना चल रहा है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह 2000 आगे 10 साल बाद अगर कुछ ना कुछ मेरे अंदर चेंज नहीं आएंगे तो आपका भाई। तो यार हालात आजकल के कुछ ऐसे चल रहे हैं ना कि आपको मैं बता ही नहीं सकता, लेकिन आप लोगों को यार क्या लगे मेरे हालातों से, क्योंकि आप लोगों को तो वो ही देखने जो कि चीज़ अच्छी मिले या अच्छी लगे। लेकिन इंशाल्लाह भी आपका भाई किसी ना किसी तरीके से आपको खुश करेगा और खुद भी खुश रहेगा। तो एंजॉय किया करो यार वीडियो, अगर अच्छी लगे तो यार वीडियो लाइक कर दिया करो, ताकि अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता दिया करो कि यार वीडियो कैसी लगी, क्योंकि जब मुझे आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही मज़ा आता है और मेरा दिल करता है कि मैं एक नहीं 10 और वीडियो बनाऊँ। तो अभी इंशाल्लाह आपका भाई दुबई भी जाने वाला है, तो दुआ करो जल्दी जल्दी चला जाए दुबई, तो इंशाल्लाह दुबई भी सारा घुमाएगा और USA भी घुमाएगा। तो मिलते हैं यार एक नई वीडियो के साथ धमाकेदार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू हो गया। ये हमेशा बाद में याद रखना कि ये टाइम कभी भी किसी का नहीं रहता, और ये टाइम इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसका जो मैं ये काम कर रहा हूँ इसका मुझे नतीजा लाजमी मिलेगा, और टाइम कभी भी किसी का नहीं होता। तो लव यू हो गया।